यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूराम निषाद की पत्नी नीतू निषाद ने अपने पति पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पति उनके साथ मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इतना ही नहीं, नीतू निषाद ने ये भी कहा है कि बाबूराम ने उन्हें गोली मारने की भी धमकी दी है। कैसे मेरे साथ अत्याचार करते, रिवॉल्वर दिखा दिखा के डराते, मारते, मुंह में डालते, कनपट्टी में लगाते हैं। तो मैंने मम्मी से कहा, मेरी गलती क्या है जो ये मुझे मारते हैं, पीटते हैं, जो मुझे गाली गलौज करते हैं, नौकरों सामने, चाकरों के सामने, मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों करते हैं, मुझे क्यों बाल घसीट घसीट के नोच नोच के मारते हैं, तलाक की धमकी देते हैं, अपने आदमी होने का मेरे पर भरपूर फायदा उठाया। बता दें कि ये मामला कुछ महीने पुराना है, जब बाबूराम निषाद और उनकी पत्नी में लंबे समय से विवाद चल रहा है। कैबिनेट मंत्री निषाद ने 25 सितंबर को हमीरपुर परिवार न्यायालय में तलाक का मुकदमा भी दर्ज किया है। उस समय राज्य मंत्री ने कहा था कि वो अपनी पत्नी नीतू निषाद की फिजूल खर्ची और झूठे आरोपों से तंग आ चुके हैं। राज्य मंत्री निषाद ने बताया कि उनकी पत्नी नीतू ने 2 महीने में 14 लाख रुपए खर्च किए हैं। वहीं इस मामले में कोर्ट ने नीतू निषाद को 30 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के ऑर्डर दिए हैं, जिससे पहले नीतू ने मीडिया से बात करते हुए मारपीट और झगड़े की बात का खुलासा किया। बता दें कि बाबूराम निषाद प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण और वित्त विकास निगम के चेयरमैन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। न्यूज़ डेस्क।